हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मेडिकल नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लगातार मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड क्रेज कोर्स, जो वेल डिजाइंड क्रेज कोर्स है मेडिकल मेडिकल नर्सिंग क्लासेज के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा जो वेल डिजाइंड क्रेज कोर्स है उसकी कंटिन्यूसली क्लासें हैं आप लोगों के लिए लाई जा रही है। आज इसी क्लास की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हैं और चलते हैं अपना आज की क्लास हम स्टार्ट। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड डिसऑर्डर। आज की क्लास के अंदर हम जो भी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे या जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे रिलेटेड टू किससे रिलेटेड होंगे? रिलेटेड टू ब्लड डिसऑर्डर। वो ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड होने के पूरे पूरे। तो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं स्टूडेंट, ब्लड डिसऑर्डर है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है हमारे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। तो हमें क्या करना है, जब भी हम इन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे तो हमें ध्यान से पढ़ना है ताकि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हमारे सामने आते हैं इन आवर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो हमें क्या करना है, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर पहला टॉपिक हमारा आया एनीमिया। देखो, ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्लड डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ब्लड डिसऑर्डर ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड, जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो मेल होगा फीमेल होगा, चाइल्ड है ओल्ड एज है एडल्ट है, सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को जरूर फेस करते हैं। तो एनीमिया होता क्या है? ठीक है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के पास इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। एनीमिया है, एनीमिया का मतलब है बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर इनफ मतलब एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर, जितना अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर है, जितनी लेवल तक हमारी जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होनी चाहिए उतनी अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीमिया। अगर नॉर्मल लेवल की बात करूं तो नॉर्मल आरबीसी का जो लेवल है वो कितना होता है, वो होता है 3.5 to 5.5 million per Q mm। ये आरबीसी का नॉर्मल लेवल रहता है। ठीक है, ये आरबीसी का क्या रहता है स्टूडेंट, नॉर्मल लेवल रहता है। ये इस रेंज के अंदर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी होनी चाहिए। इस रेंज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होनी चाहिए, आरबीसी होनी चाहिए। ये रेंज जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज की जो ऑक्सीजन डिमांड है, टिश्यूज तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचाने के लिए हमें कितने अमाउंट, किस लेवल की आरबीसी का अमाउंट तक या किस नंबर तक हमें आरबीसी के लेवल की जरूरत होती है, वो है 3.5 to 5.5 million per Q mm ये लेवल रहना चाहिए। किसका, आरबीसी का। अगर हमारी बॉडी के अंदर हेल्थी आरबीसी का जो लेवल है वो अगर इससे कम हो जाता है, मतलब बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट मिलियन पर क्यू एम एम, अगर 3.5 मिलियन पर क्यू एम एम से अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, उसे हम कंसिडर करेंगे एनीमिया अकॉर्डिंग टू WHO। अब उसके बाद क्या आता है कि WHO का इंटरफ्रेंस आ जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO एनीमिया कब कंसिडर करता है, भाई आपने डेफिनेशन बता दी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हेल्थी आरबीसी का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज से नीचे होगा तो वो आप एनीमिया कह रहे हो, लेकिन WHO ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऊपर या हीमोग्लोबिन के बेसिस पे WHO ने क्राइटेरिया डिसाइड किया और बताया कि किस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। तो WHO ने बताया कि अगर एक फीमेल है उसके अंदर अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, अगर एक फीमेल है और उसके अंदर अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन अगर कम है, अगर फीमेल का हीमोग्लोबिन अगर 12 ग्राम से नीचे है, अगर फीमेल 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 क्लाइंट है और उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से नीचे है,
WHO ने क्या कहा, उसको कहा कि वो एक एनीमिया का केस है, वो एक आपके लिए एनीमिया का केस है। मतलब WHO बोल रहा है कि इन फीमेल्स फीमेल्स या वुमन इसमें 12 ग्राम पर डीएल से बिलो, ठीक है, से बिलो बिलो अगर इस कंडीशन के अंदर है तो ये WHO ने क्या बोला, एनीमिया है। WHO ने क्या बोला, ये एनीमिया की कंडीशन बता दी। और उसी प्रकार से WHO ने मेल के अंदर बताया, अगर मेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर हीमोग्लोबिन कम है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर हीमोग्लोबिन अगर कम है, तो WHO ने क्या कहा, वो भी किसमें कंसिडर किया जाएगा, वो भी एनीमिया के अंदर कंसिडर किया जाता है। कितना, 13 ग्राम मेन के अंदर या मेल के अंदर, मेल के अंदर कितना बताया, 13 ग्राम से नीचे, 13 ग्राम पर डेसीलीटर वो कंसिडर किया जाएगा एनीमिया के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो कंडीशन है वो मैंने WHO के अकॉर्डिंग अगर आपको बता दी है कि अगर एक WHO कब एनीमिया कंसिडर करता है, WHO तब एनीमिया कंसिडर करता है जब एक फीमेल के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है तो उसे हम जो WHO के अकॉर्डिंग हम एनीमिया बता सकते हैं। और अगर एक मेल होता है तो उसके अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हीमोग्लोबिन है तो उस कंडीशन को एनीमिया कंसिडर किया जाता है। अगर ओवरऑल तरीके से अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मेल और फीमेल को हटा करके अगर मैं बताऊं, ठीक है, इफ हीमोग्लोबिन लेवल फॉल्स बिलो द बिलो द 11 ग्राम पर डीएल, फॉल बिलो द 11 ग्राम पर डीएल, दिस कंडीशन शुड बी कंसीडर, दिस कंडीशन शुड बी कंसीडर, दिस कंडीशन शुड बी कंसीडर इन एनीमिया अकॉर्डिंग टू WHO। According to WHO, World Health Organization, World Health Organization की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1947 को हुई, इसीलिए 7 अप्रैल को World Health Day मनाया जाता है, World Health Day, World Health Day, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये क्वेश्चन आ सकता है, MCQ बन सकता है, जीके का MCQ बन चुका है, जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो हल्का फुल्का जीके आता है ये आता है, ठीक है। तो WHO क्या कह रहा है, WHO कह रहा है कि अगर एक फीमेल के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो एनीमिया है, और एक मेल के अंदर अगर 13 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो एनीमिया की कंडीशन है। और ओवरऑल अगर एक यहाँ पर अगर आप किसी का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं बता रहे हो कि भाई वो मेल है कि फीमेल है, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का आ रहा होगा, ठीक है आपका, तो उसमें अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन है तो वो कंडीशन हमेशा कंसिडर की जाएगी किसमें, एनीमिया की कंडीशन के अंदर कंसिडर की जाती है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखना है और याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा MCQ पूछा जा चुका है, आपको बहुत बार MCQ पूछा जा चुका है, पुरानी जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, कि WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया कब कंसिडर होता है, तो 11 के अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, इसका मतलब डेफिनेट है कि वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वो एनीमिया की कंसिडर है। WHO उसको क्या कंसिडर कर रहा है, एनीमिया कंसिडर कर देता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एनीमिया के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल की मेल के अंदर और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो अगर एक मेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसी लीटर तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज है मेल के अंदर 13 से 17 ग्राम पर डेसी लीटर, और फीमेल के अंदर है, वही फीमेल के अंदर बोला गया है 12 से 15 ग्राम पर डेसी लीटर, ठीक है। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, मार्क इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, 13 से 17 है, 12 से 15 है, तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए MCQ बन सकता है कि एक फीमेल के अंदर जो एनीमिया नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है और एक मेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कितना होता है, वो यहाँ पे बताता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखो इसमें ये दोनों चीज़ें बहुत नॉर्मल है। अगर आप जब भी अपने डे टू डे लाइफ के अंदर या जब भी आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रैक्टिस करते हो किसी भी हॉस्पिटल, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर आप देखोगे कि नॉर्मली आप सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। हर डॉक्टर जाकर के सीधा लिख देता है कि हाँ जी सीबीसी, उसके बाद सारे सीबीसी यूरिन आरम करवा करके लेके हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर देखना है, अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो सीबीसी को कि सीबीसी में क्या है, तो आपको इन रेंजों का पता होना जरूरी है, प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, और ये सारी चीजें आपको लेबोरेटरी, एक मेडिको नर्सिंग क्लास से यूट्यूब चैनल पे जाकर के एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में वहां पर आप ढूंढो, उस प्लेलिस्ट को ढूंढो लेबोरेटरी टेस्टेज, और लेबोरेटरी टेस्ट वाले हैं उन, वहां जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये चीजें अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको बहुत कंसाइज वे के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें क्रैश कोर्स डिजाइन किया होगा, ठीक है। यहाँ हम ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस डिस्कस कर देंगे, नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि WHO का क्लासिफिकेशन, WHO क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू WHO, कि WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया को कैसे क्लासिफाई किया जा चुका है, एनीमिया को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया है कि माइल्ड एनीमिया, कौन सा एनीमिया, माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया है। कब माइल्ड एनीमिया कंसिडर किया जाएगा, जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 9 से लेके 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर तक है, अगर किसी इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर या किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 9 से लेकर 10.9 तक आ रहा है, 9 ग्राम पर डेसीलीटर, 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, उसको एनीमिया तो हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल हमने कहा था कि 11 से नीचे आते एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से नीचे 10.9 भी 11 से नीचे ही है, ठीक है। 9 से 10.9 के बीच में अगर है इंडिविजुअल तो वो माइल्ड एनीमिया के अंदर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया क्या होता है, तो मॉडरेट एनीमिया की बात करें तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन लेवल, ध्यान रखने की चीज है कि किस चीज की बात कर रहे हैं हम, हीमोग्लोबिन लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे WHO ने जो एनीमिया का क्लासिफिकेशन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन के लेवल के ऊपर, हीमोग्लोबिन बेस बनाया, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या क्या सेंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन का लेवल है वो क्या है, कितना आ रहा है, उस कंडीशन को WHO के अकॉर्डिंग किसमें रखा गया है, उसमें रखा गया है, उसे रखा गया है एनीमिया के अंदर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 9 से लेके 10.9 के बीच में तो माइल्ड है, मॉडरेट के अंदर 7 से लेकर के 8.9 की कंडीशन के अंदर अगर कोई ग्राम पर डेसीलीटर अगर है किसी इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन इतना, तो वो किसमें कंसिडर किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका मॉडरेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सीवियर एनीमिया की बात करें, अगर हम सीवियर एनीमिया की बात करें तो सीवियर एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 7 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला जाता है, 7 या 7 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि उसको सीवियर एनीमिया है, ठीक है। और सीवियर एनीमिया के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, क्योंकि इस इंडिविजुअल का जिसके अंदर सीवियर एनीमिया, अगर आप जब इसको प्रिक करोगे, चाहे RBS चेक, रैंडम ब्लड शुगर चेक करने के लिए आप चेक मतलब प्रिक करोगे उसके फिंगर टिप के ऊपर, तो आप देखोगे कि वहां से सिर्फ पानी जैसा कुछ निकल रहा है, सीरम निकलता है, ठीक है, ना कि वहां पर आपको ब्लड देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट, एक फेटल कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है, ठीक है। और इसका मेन कोज ये हो सकता है कि हेमरेज हो गया हो, हेमरेज हो रखा है, या हिमोलाइसिस हो गया, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, या फिर रीनल फेलियर, बहुत सारी कंडीशन है, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं जो सीवियर एनीमिया के अंदर इंडिविजुअल को लेकर के चले जाते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अच्छा टॉपिक है, बने रहिए बस आप क्लासों के साथ, ताकि हम आगे इसी प्रकार से आपकी तैयारी में और आपकी मदद कर सके और अच्छा बना सके। नेक्स्ट वन है अदर टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है। अब एनीमिया के और टाइप है,
एनीमिया के और दूसरे कौन कौन से टाइप्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसी टाइप के अंदर हमारा पहला है, उसी टाइप के अंदर हमारा पहला आया है। पहला क्या है? पहला है हमारा हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया। क्या आया है? हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया। ठीक है, हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया के नाम से आप देख पा रहे हो, देखो हाइपो हाइपो प्रोलीफिरेटिव, हाइपो प्रोलीफिरेटिव सॉरी, देखो पहला टाइप डिस्कस करते हैं, हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया। हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया क्या चीज होती है? तो हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया का मतलब है, देखो नाम से देखो, हाइपो मतलब डिक्रीज फंक्शन, डिक्रीज फंक्शन और लेवल। फंक्शन की बात हो सकती है, लेवल प्रोलीफिरेटिव प्रोलीफिरेटिव। स्टूडेंट्स प्रोलीफरेटिव का मतलब क्या होता है? जनरेशन, रीजनरेशन, रीजनरेशन या फिर फॉर्मेशन। हाइपो प्रोलीफरेटिव एनीमिया, अगर हाइपो प्रोलीफरेटिव एनीमिया है तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, चाहे वो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होगा। इसमें हाइपो प्रोलीफरेटिव एनीमिया के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। देखो हाइपो, हाइपो मतलब डिक्रीज लेवल या फंक्शन, और प्रोलीफरेटिव का मतलब हो गया फॉर्मेशन या रीजनरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वर्ड से आप देख सकते हो, प्रोलीफरेटिव मतलब बनना और हाइपो मतलब कम, तो कम बन रही है आरबीसी। यहाँ पे क्या हो गई है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर आरबीसी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया है, तो उस प्रकार के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रकार के एनीमिया को हम कहते हैं हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया। उस प्रकार के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, हाइपो प्रोलीफिरेटिव एनीमिया। नेक्स्ट वन टाइप आया एनीमिया का, वो आया हमारे सामने हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब एक वर्ड आता है हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस एक हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है आरबीसी का, नॉर्मल लाइफ स्पान, नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पान होता है 120 डेज। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना ये भी एक एमसीक्यू बन रहा है, नॉर्मल एमसीक्यू है, वैसे सबको लगता है कि आता है, आई होप सबको ये पता होगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 120 डेज इज द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो हीमोलाइसिस अगर आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है, आरबीसी अगर उससे 120 दिन से पहले ही टूट गई, ठीक है, तो वो उस कंडीशन की वजह से अगर एनीमिया हो रहा है, मतलब हीमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। उस प्रकार के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। उस प्रकार के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हेमरेजिक एनीमिया। नेक्स्ट वन टाइप है हमारे पास हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया एक ऐसी सिचुएशन है स्टूडेंट, जिस जो एनीमिया अगर हेमरेजिक एनीमिया है उसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया की कंडीशन है वो अराइज होती है। किस वजह से? ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का लेवल है वो कम हो गया, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमरेजिक एनीमिया। और ये एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल केस में सबसे ज्यादा देखा जाता है। एक्सीडेंटल केस के अंदर मतलब रोड RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हेमरेजिक एनीमिया। ठीक है, और एक हो सकता है आपका पोस्टपार्टम हेमरेजमेंट,
इसमें हो सकता है पोस्ट पार्टम हेमरेज, ऐसी कंडीशन के अंदर ये हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप जो एनीमिया के तीन टाइप मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, हाइपोप्रोलिफेरेटिव, हिमोलाइटिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर कॉजेज ऑफ एनीमिया, नेक्स्ट हम देखते हैं अदर कॉजेज ऑफ एनीमिया की। अब एनीमिया का कोज क्या होगा, कॉजेज ऑफ एनीमिया की, नॉर्मली एनीमिया है वो क्यों हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो पहला कोज आता है हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, पहला कोज आता है हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि विटामिन B12 है, फोलिक एसिड, ठीक है विटामिन B12 है, फोलिक एसिड, मिनरल्स, ये सब ब्लड के फॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। मिनरल्स में अगर बात करोगे तो आयरन, ठीक है आयरन की बात कर सकते हैं, आयरन रिक्वायर्ड होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बिन करके हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल का डाइट्री पैटर्न अगर ठीक से नहीं है, वो अच्छा खाना नहीं खा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या देखने को मिल सकता है, उसकी बॉडी में एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो भी एनीमिया के कोज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन सब नॉर्मली हमें इन चीज़ों को भी सबसे ज़्यादा फाइंड आउट करना होता है कि क्या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से तो नहीं है, या कोई डिसऑर्डर है उस वजह से एनीमिया पेशेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है, मिनरल्स में देखें हम आयरन है, तो इन तीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन होती है, जिन डिजीज कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर RBC है, या फिर जो ब्लड फॉर्मेशन है उसकी प्रोसेस है, ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस उसको ये क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो। ठीक है, तो इन कोई भी इन्फेक्शन है उसके अंदर हो सकता है आपको, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, नॉर्मली क्या हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं बात करूँ नेफ्राइटिस की, बात करूँ नेफ्राइटिस है ये भी एक इन्फेक्शन है, रीनल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, वहां से इरिथ्रोपोइटिन, किडनी अगर बीमार होगी तो किडनी क्या नहीं बनाएगी, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगी। अब किडनी इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाएगी तो क्या होगा, बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होगा, बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होगा तो वो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो हो सकता है कि इन्फेक्शन है वो क्या कर रहा है, बोन मैरो को सप्रेस कर रहा है, या आरबीसी जो उसके प्रोडक्शन को उसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट वन क्रोनिक डिजीज में सीधा एग्जांपल ले लो, पहला लीवर डिजीज और रीनल डिसऑर्डर, ये दोनों ऐसे डिजीज डिसऑर्डर्स हैं, या दोनों ऐसे ऑर्गन है जो ब्लड फॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर होगा स्टूडेंट, डेफिनेट है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है उसके अंदर ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर, ठीक है, क्रोनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें आपकी ऑस्टियोमेलाइटिस, एक इन्फेक्शन है ऑस्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, इन्फेक्शन ऑफ बोन, बोन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, बोन मैरो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो क्या होगा, वहां पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये तीनों चारों जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, लीवर डिजीज है इनका, अब लीवर है अगर वो अच्छे तरीके से आयरन का स्टोरेज नहीं करेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, आयरन की डिफिशियंसी है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमेलाइटिस के अंदर बोन मैरो अच्छे से काम नहीं कर रहा, रीनल डिसऑर्डर के अंदर इरिथ्रोपोइटिन नहीं मिल रहा बॉडी को, तो इस प्रकार से ब्लड के फॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर इनका डिजीज कंडीशन होती है तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, मिलकर के ब्लड को फॉर्म नहीं होने देते। ठीक है जी, नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिकल डिजीज कंडीशन। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है, प्लासेंटा प्रीविया जिसके अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर वैसे ही क्या हो जाता है, प्रेगनेंसीज के अंदर क्या हो जाता है, वैसे ही हीमोडाइल्यूशन इन द प्रेगनेंसी।
हीमोडाइल्यूशन इन प्रेगनेंसी, हीमोडाइल्यूशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जो हीमोडाइल्यूशन हो जाता है उसमें भी वो भी एक एनीमिया के अंदर कोज हो जाता है, जो भी एनीमिया का कोज कर देता है, मतलब वो इनडायरेक्टली एनीमिया हो चुका है कि आपकी ब्लड है उसका डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितना रिक्वायर्ड आरबीसी का जो लेवल था उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उतना वॉल्यूम आप आपके पास मेंटेन नहीं रख पा रहे हो, तो वो भी कंडीशन है। तो बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टेट्रिकल कंडीशन है जिन कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो हीमोपोइसिस है, हीमोपोइसिस अच्छा वर्ड है, हीमोपोइसिस हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है हीमोपोइसिस, और हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। स्टूडेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑब्स्टेटिकल कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल को कम कर सकती हैं, एनीमिया को कोज कर सकती हैं, बोन मैरो को डिप्रेस कर सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, ल्यूकेमिया, ठीक है, ये वो कंडीशन है जिन कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये इनके अंदर आरबीसी की जो शेप है उसके अंदर चेंजेज हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर क्या होता है हीमोग्लोबिन वगैरह उनका लेवल कम हो जाता है, आरबीसी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, लाइफ स्पान कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जेनेटिक रेड ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर उनमें क्या होता है वो बोन मैरो से नहीं बनती है प्रॉपर, और बनती है तो डिफेक्टिव बनती है, जिस वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सारे कॉमन कॉजेज हैं जो एनीमिया को कोज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेट उसका आंसर करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया हमारी बॉडी के अंदर, जब भी हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया होता है तो मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं वो कौन से हैं, वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी के अंदर अराइज होते हैं जब हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। तो सबसे पहले फैटिक, थकावट बहुत जल्दी हो जाएगी, इंडिविजुअल थोड़ा सा काम करेगा उसके बाद उसको थकान फील होने लग जाती है, उसे बोलते हैं फैटिक। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन बोल सकते हैं, ठीक है, उसको चेस्ट है वो पेन हो सकता है, टाइटनेस हैवीनेस उसमें फील हो सकती है, ये भी एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है, चेस्ट पेन, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, अगर एनीमिया कम होगा सॉरी अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, आरबीसी का लेवल कम होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाती, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, चक्कर ही आएंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा तो क्या होंगे, इंडिविजुअल को चक्कर आएंगे। नेक्स्ट में ना पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है, देखो पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का एक शुद्ध एकदम बढ़िया सा मीनिंग है जिसमें आपको सीधा समझ में आ जाएगा, फीलिंग ऑफ ओवन हर्ट बीट, अगर आपको आपके हर्ट बीट, आपके हर्ट की बीट अगर आप फील कर पा रहे हो, जैसे अभी मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे को मेरे हर्ट हर्ट मेरा हर्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली कर रहा है, एक मिनट के अंदर 70, 80, 90 जो भी जितनी बार भी वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है वो हो रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी दौड़ के रनिंग करके आऊंगा तो मेरे को फील होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा है ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है, तो वो होता है पाल्पिटेशन। अगर आपको बैठे बैठे ही अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एनीमिया हो सकता है, तो ब्लड के अंदर एनीमिया है, आरबीसी का जो लेवल है वो कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन का लेवल है वहाँ पे आपके अंदर कम हो सकता है, हेडेक, उस इंडिविजुअल को हेडेक भी रहेगा, ठीक है, पेलर स्किन, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है स्टूडेंट, फैटिक, डिजीनेस, पाल्पिटेशन और पेलर, पेलर मतलब है कि वाइटिश अपीयरेंस या पिंकिश अपीयरेंस बोलता हूँ, वाइटिश तो अच्छा नहीं रहेगा यहाँ पे, पिंकिश, पिंकिश अपीयरेंस अगर आप इंडिविजुअल को बोलोगे कि टंग पिंकिश अपीयरेंस, पिंकिश मतलब पिंक कलर की टंग हो जाती है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो किसी भी इंडिविजुअल की टंग आप बोलोगे कि हाँ अपनी जीभ दिखाओ तो वो क्या होगी, रेड कलर की होगी,
लेकिन अगर किसी को एनीमिया की कंडीशन है तो उसकी स्किन स्किन भी क्या हो जाती है, पैलर, मतलब वो कुछ ज्यादा ही गोरा दिखने लग जाएगा। वहाँ फेमरल लवली का कमाल नहीं होता है, वहां पर होता है कमाल आरबीसी के डिस्ट्रैक्शन का। वहां पर आरबीसी का लेवल कम है, इस वजह से वो ज्यादा गोरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा है जो उसकी टंग है वो भी पेल दिखने लग जाती है, तो पेलर स्किन है। नेक्स्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसलिए होता है स्टूडेंट्स की, पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हमारे ब्लड की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी सांस ले करके हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जिससे हम हमारी जो बॉडी के ऑक्सीजन, बॉडी टिश्यूज की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको हम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाता है। बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बंदे की इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है, लो इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये सारे वो साइन एंड कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग एनीमिया, एनीमिया के केस के अंदर, इन द केस ऑफ एनीमिया, एनीमिया के केस के अंदर आपको ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है वो मोस्टली देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिनसे एमसीक्यू बन के आ सकते हैं वो सारे साइन एंड सिम्टम्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है एक क्रैश कोर्स आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।